हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप सोच होंगे इतने पुराने वीडियो व्लॉग जो है अभी आ रहे हैं, क्योंकि ना मैं जब पहाड़ पे थी तो वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था मेरे ससुराल पे। तो मैं जब यहाँ विशाखापट्टनम आ गई हूँ तो मैं व्लॉग जो है डेली अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि ना वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो मैं अभी डाल रही हूँ सारे व्लॉग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पहाड़ की दिनचर्या जो भी है मैं वो आपसे शेयर जरूर करूँ। तो मैंने वीडियो जो है अभी तक रखी हुई थी फ़ोन पे, तो मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मैं करवा चौथ के लिए अपने लिए थाली सजा रही हूँ और लोटे को सजा रही हूँ, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं बन रही है, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी पूरी। तो फिलहाल पीछे नहीं जा पा रहा ना। अब नहीं कर रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़ नहीं, छोड़ दे, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, हट, हट। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह मेरे ससुराल जाने की वापसी हो रही है और मैं अभी जा रही हूँ मायके से, क्योंकि मैंने पूछ को कुछ दिखा लिया था हॉस्पिटल, अब मैं वापस जा रही हूँ। धूपी आ गई बाल, धुप्पू आ गई, धुप्पू वह चप्पल। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल मायके से। तो पूछ को जा रहा है नानी के साथ। तभी तो गड़बड़ हो रहा है। चाची कैसी लग रही है वैसे? दो झोले हैं नीचे अभी। वही तो मैं कह रही हूँ। अम्मा ने सुना ही नहीं लगे तो नहीं लगे। वही तो कह रही हूँ, ला मेरे को दे दे। हाँ ये आपका ही डालूंगी ना मैं, ऐसा ये है पहाड़ों की वो दिनचर्या, कुली नंबर वन। वो तो क्या काम धंधे नीचे। तुम जाओ जाओ जाओ। बाबू अभी तक हमको 9 बजे की जगह 7 बजे भेज देते हैं। कहाँ है नानी? नानी आगे जा रही है। एक नानी, छोटी नानी वो है, छोटी नानी वो है, और बड़ी नानी वो है जो पीछे से आ रही है। ठीक है, ओ जा पुत्तू, कपड़ों से इतना भारी हो रहा तू है ना। पुत्तू जो अपनी नानी के वहां से जा रहे अपने घर, राम जी का मंदिर। चाची तो पहुंच गई ऊपर, हम नीचे रह गए। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नानी के साथ ही रहने दो, अब जाओ मम्मी।
छोटा बिना छोटी नानी के साथ। लाओ मैं आपकी फोटो। अच्छा ये बैग में डालती पापा, इसमें डाल दो तो। अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा तू। बाय बोल दे, बाय बोल दे। हाथा खुले हो ना क्या? नहीं 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 खुलेगा। एक तो खिचड़ी खुलवा आया हूँ। खिचड़ा लूँ? पापा कुछ भी खिचड़ी था हूँ। बाय बाय। क्या देना अपने आपके पास? बंद कर दी। हाँ हो क्या ना? ये हवा आती है ना? हाँ 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 ठीक है। हाँ बाय बोल दे। ठीक है भी, बाय बोल दो नानी को। जा भली भांति चले गए। हाँ बहुत चलना ठीक है पिताजी। हाँ मुझे कोई नहीं आएगी। दोस्तों सामने से जो है अल्मोड़े का दृश्य काफी अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो है धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी इतनी तेज धूप में भी जो है बारिश हो रही है। नीचे आप खेत में देख सकते हैं कितनी तेज धूप आई है, और यहाँ जो है हो रही है। और ये भट्ट जो है हस्बैंड लेके आए थे खेतों से, और सारे भीग चुके हैं बिल्कुल है हिमालय में। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है हिमालय। और आप देख सकते हैं हिमालय में भी धूप है, लेकिन वहाँ बादल भी लगे हुए हैं, कितना अच्छा लगता है ना। और जबकि मैं जो है अपने खिड़की से देख रही हूँ हिमालय भी और बारिश भी, क्योंकि जो है पुचकू जो है ये देख सकते हैं पुचकू यहाँ बैठा हुआ है। ये दिख रहा है क्या आपको? ये उसको बैठा हुआ, मैंने लाइट ऑन करी है तो मैं ना यहाँ बैठी हुई हूँ खिड़की पे, और हस्बैंड पता नहीं कहाँ है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश होगी, इतनी धूप आ रही है। लेकिन हस्बैंड जो भट लेके आए थे ना, वो सारे भीग चुके हैं। तो पुचकू पता नहीं क्या गा रहा है। ये लकड़ियाँ भी अंदर नहीं रखे, खड़ा आदमी कितना चलाऊँगा अब। तो दोस्तों बारिश के बाद इतने जोर से ओले पड़े, और सामने जो है धूप आई है, लेकिन कुछ हमारे ऐसा लग रहा है कि हमारे ही घर पे ओले पड़े। इतने ज़्यादा ओले गिर रहे हैं, पूरा खेत और आंगन जो है पूरा सफ़ेद हो गया। बिन मौसम बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है तो आपको, और इतनी तेज़ बारिश हुई ना पहले और ओले पड़े। तो दोस्तों चाचा जी आए हैं और वैदू को जो है हरेला लगा रहे हैं, और वैदू कितने प्यार से देख रहा है ना उसका, वो सोच रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है और मेरे सर पे पता नहीं क्या रखा जा रहा है। लेकिन चाचा जी उसको हरेला लगा रहे हैं, और कितने प्यार से देखा हुआ है वो भी।